नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं? चलिए जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली की जय श्री राम। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज की जनरेशन में लगभग 70% लोगों को ये चीज मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं है तो वो लोग बहुत परेशान हैं। कारण क्या है? जब हमको अपनी, मतलब जिस जगह पर रहते हैं, जिस कुल से पैदा हुए हैं, जिस संस्कार में पले पोषे बड़े हुए और जिनकी कृपा मिलनी चाहिए, उनका नाम ही नहीं मालूम। जो हमारे ऑनर हैं, हमारे गोत्र, हमारे कुल के ऑनर हैं, मालिक हैं, उनका ही नाम पता नहीं मालूम, और उनको छोड़कर हम इधर उधर भटकेंगे और उनकी पूजा, उनका जो साल भर में भोग होता है, पूजन अर्चन होता है, वो नहीं होता है। इस कारण वो कुपित हो जाते हैं और घर में दरिद्रता, बीमारियां, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि अधिकतर लोगों को अपने कुल देवता, कुल देवी के बारे में मालूम नहीं रहता है, या दूर से आए हैं, उनके बुजुर्ग लोग खत्म हो गए, कोई बताने वाला नहीं बचा था कि अपने बच्चों को बताएं हम ये संस्कार। आप अगर मेरी बात सुने तो ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चों को जरूर बताएं कि हमारे कुल देवता कुल देवी ये हैं, और बेटा जब तुम बड़े होना, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम भी अपने बच्चों को इसी तरीके समझाना, तब ये परंपरा जिंदा रह पाएगी, अर्थात हम लोग भूल जाएंगे कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, और परेशान रहेंगे। तो इसी कड़ी में हम बताते हैं जिन लोगों को, जो भाई बहन हमारे हैं, जिनको नहीं मालूम है कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, भटक रहे हैं इधर उधर, तो आज मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे मालूम करें कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो नमस्कार पुनः सभी लोगों का। सबसे पहले निवेदन यह कि मुझे दक्षिणा स्वरूप सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद स्वरूप में आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, कम से कम 10 से 12 लोगों में आप जरूर यह करिए। यही मेरी दक्षिणा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ समाज सेवा में आपका भी हाथ हो, आपका भी आशीर्वाद मिले, और तंत्र मंत्र के नाम पे जो लोग लूट रहे हैं बिल्कुल ना लूटें। साथ ही हमारे चैनल द्वारा जो अचूक उपाय बताए जाते हैं, जो कि अभी तक कल लाखों हजारों लोग फायदा उठा चुके हैं, वैसे और लोग भी उठाएं, इधर उधर भटके ना लूटें। तो आइए आपको ये उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले हम एक चीज बता दें जरूर, इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, बहुत जल्दी नहीं करना है, ध्यान रखो, बहुत जल्दी घबराना नहीं, एकाग्रता, ध्यान, चित होके। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक, धूप बत्ती और मीठा भोग, एक कटोरी में खीर, पान, एक सफेद कपड़ा लेना है। ये किस दिन करना है? अमावस के 5 दिन पहले, यानी 5वें दिन अमावस पड़े, ठीक है? तो आप इसको दसवीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की दसवीं से 5वें दिन अमावस पड़े। आजकल नक्षत्रों में भी कभी घट बढ़ जाता है तो उसकी चिंता नहीं, आप दसवीं से ही चालू कर दीजिए, अमावस तक का करिए। क्या करना है कि आप मीठा को, पान को, धूप बत्ती, घी और सफेद कपड़ा लेना है, एक कमरे में एकांतवास, रात को आप भोजन वगैरह करने के पश्चात रात को ठीक 12 बजे उठिए, अपने पलंग से 2 फुट दूर पे थोड़ा जल छिड़किए, फर्श पे साफ करिए, वहां सफेद आप कपड़ा बिछाइए, लगभग 2.5 फुट का कपड़ा हो, उस पर किसी प्रकार की और कढ़ाई या कलर ना हो, सिर्फ व्हाइट होना चाहिए, बिछाइए। उसके मध्य में दीपक रखना है, घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलाना, धूप बत्ती थोड़ा दूर रखना है कपड़े से, क्योंकि धूप बत्ती पकड़ते पकड़ते कपड़े पे आ जाएगी। तो धूप बत्ती को किसी कटोरी में रख दीजिएगा,
या कपड़े ऊपर नहीं रखना, या किसी अन्य वस्तु जो ठोस हो, जलने वाली ना, ज्वलनशील ना हो, उस पर रख दीजिए। ठीक है, खीर, पान और मिठाई, पानी, अब उस दीपक के सामने प्रणाम करके आपको यह बोलना है कि हे पितृ देवता, आपके आशीर्वाद से मैं कुल देवताओं के बारे में जानना चाहता हूं, आप इसमें मेरे सहायक बने। मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, आज से 5 दिन की ये छोटा सा उपाय पितरों की जानकारी के लिए कुल देवताओं की जानकारी के लिए कर रहा हूं। हमारे कुल देवता कुल देवी जो हों, वो समक्ष हों, प्रकट हों, वो स्वप्न के माध्यम से या कैसे भी मुझे पता चलना चाहिए। ये कहने के पश्चात थोड़ा हाथ में जल लें और वो दीपक, जलते हुए दीपक के किनारे छिड़क दें। फिर उस पर मिठाई लेना है, उसको दीपक के पास रखें, ओम भोगम समर्पयामि ये करके चढ़ा दें। उसके पश्चात आपको खीर, जी हाँ, पान के 3 पत्ते और भी एक्स्ट्रास कर लेना, और जो पान बोला वो लगाए हुए चाहिए, मसालेदार, 1 पान लगाया हुआ, 3 पान सादे, 3 पान दीपक के सामने फिर रखें और उन खीरों को देवी देवता और पितृ देवता तीन पे, पहले देवी का ओम कुल देवी भोगम समर्पयामि, बीच वाले में ओम कुल देवतभ्यो भोगम समर्पयामि, लास्ट वाले में ओम पितृ देवतभ्यो भोगम समर्पयामि। अब तीनों पे लग गया, फिर हाथ में जल लें, ओम जलम समर्पयामि डाल दिए। ठीक है, इसके बाद धूप जो जल रही उसका ओम धूपम दीपम गंधम समर्पयामि ये दे दिए। अब आपको सिर्फ रुद्राज की माला लेना है और कुछ नहीं, सिर्फ ओम 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 5 बार ये बोलना। उसके बाद ये छोटा सा मंत्र आपको 5 माला करनी है, ओम मम गोत्रहम मम कुलदेव्यो मम कुलदेवतभ्यो प्रत्यक्ष दर्शाए मम मनोकामना पूराए ओम, इसी का जाप करना है। ठीक है, ऐसा आपको लगातार 5 दिन करना है। 5वें दिन इन सभी चीजों को उठाकर, डेली खीर नहीं रहेगी, मिठाई रहेगी, पान रहेगा, ये डेली सब कुछ नहीं रहेगी, 5वें दिन इनको उठा के आप नदी विसर्जन कर दें। आपको खुद पता चल जाएगा क्या चीज आपके कुल देवी देवता है, आपको दर्शन हो जाएगा, और जब दर्शन हो जाए तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।